अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको कभी भी क्लिकबेट देखने को नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को जो जगह दिखा रहा हूँ वहाँ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जैसे कि स्टे, फूड, रोड कंडीशंस, फ्यूल ऑप्शंस एंड टाइमिंग टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 6, तैयार हो गए हैं और कैंटर की वेट कर रहे हैं। भैया अभी फ़ोन कर रहे थे क्योंकि उसको 6 बजे तक आ जाना चाहिए था, तो फुली अभी जल्दी आ जाएगा और कंटिन्यू करूंगा आपका सफ़र कि सफारी का एक्सपीरियंस हमारा कैसे रहता है रणथंबोर का। हियर इट कम, हमारा आ गया कैंटर। ये 20 सीटर है और 8 सीट जिसमें से हमारी हैं। तो कैंटर जो है जगह जगह जो पैसेंजर्स हैं उनको पिक करता है। लाइकवाइज ये होटल है, इधर यहाँ से पिक किया है अभी 3 टूरिस्ट को। जितने भी लोग गाड़ी में बैठे सबकी आईडी है क्योंकि वो रैंडमली चेक करते हैं। ये वाली कितने की है? कौन सा सर? ये हेट, ये 300 दीजिए सर। 300 में फाइनल? फाइनल दे रहा हूँ। मैंने हेट परचेज किया है, होपफुली अच्छा लग रहा होगा। बाकी ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, रोड साइड है यार, अपनी मेहनत करके सामान बेच रहे हैं तो ज़्यादा बार्गेन मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। सनराइज़ होने वाला है अभी और मेरे हिसाब से हम गेट पे पहुंचने वाले हैं। तो ये है जी हमारा एंट्रेंस गेट, कार्यालय वनपाल नाका शेरपुर। एंट्री हो रही है हमारी। सफारी की शुरुआत होने से पहले ही वी आर सो लक्की टू साइट ए हाइना, इट वॉज टू ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और इसके बाद हुई ब्रीफिंग। इन माई व्यू इट इज़ इम्पोर्टेंट, बाकी इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो कुछ सेकंड के लिए आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर लोगों को पैदल जाने की इजाज़त नहीं होती है। सफारी में दिखने वाले जानवर है दो तरह के डियर, चीतल मिलेगा, सांभर मिलेगा, नीलगाय, दो तरह के एंटीलोप है, नीलगाय और इंडियन गजेल, वाइल्ड पिग्स दिख सकते हैं। और रोजाना जाने वाले 20% लोगों को टाइगर दिखाई देता है इस मौसम में। सोमे से अच्छी को नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि टाइगर की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है। उसकी जो टेरिटरी है वो होगी लगभग एवरेज जो है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर है एक मेल के लिए। उसके साथ 2 या 3 फीमेल रह सकती हैं उस एरिया में। तो फीमेल्स की अपनी सब टेरिटरी होती है छोटी, तो फीमेल के लिए लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, वो काफ़ी बड़ा है। हमारा यहीं कहीं टाइगर सो रहा हो नीचे नाले में तो हमें कैसे पता लगेगा? कुछ तरीके हैं उसके। एक तो जंगल के जानवरों की आवाज़ें सुन के पता लगेगा, डियर या लंगूर कोई देखेगा तो आवाज़ करेगा उससे। उससे उनके पैरों के निशान, अगर वो रात को कहीं से चल के आओ तो रास्ते पे चलते हैं मज़ा आता है, तो उनके पैरों के निशान आएंगे तो उससे पता लगेगा। और कुछ जगहें जो हमें पता होती हैं जहाँ अक्सर टाइगर रहना पसंद करते हैं तो उन जगहों को जाके हम अच्छे से चेक करते हैं। तो यही तरीका है, पैरों के निशान ढूंढिए, जंगल की आवाज़ सुनिए और जो टाइगर पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से चेक कीजिए। अब मान लो बाहर निकल के नहीं आ रहा है तो नहीं दिखेगा। और बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो एवरेज 18 घंटे आराम करता है। अब वो 18 कहीं सो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। फिर तो दिखे एक्टिव कब होता है? वो एक्टिव होता है जल्दी सुबह, ये जो सुबह का समय, इसलिए हम बिना रुके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं सुबह अभी कॉमन एनिमल्स के लिए ना रुकें, हम कोशिश करें हमारा जोन चेक करें अच्छे से, कहीं चांस है टाइगर के तो वो ट्राई करें और उसके बाद हम कॉमन एनिमल्स के लिए रुकेंगे। सही रहेगा? ठीक। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि शोर नहीं करना है जंगल में। बातें भी करनी है तो ज़रूरत है तभी करनी है, गैर ज़रूरी बात नहीं करनी है। और कचरा गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना है, स्मोकिंग नहीं करना है, किसी चिड़िया जानवर को खाना नहीं देना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से घुमाएं। बट जो हमारे गाइड हैं और जो टूरिस्ट साथ में, उनका मेन फोकस है टाइगर। हाल दो मैं तो जंगल की फील को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट ये कह रहे हैं कि टाइगर अगर दिख जाएगा फिर हम आते हुए आपको और जो एनिमल्स हैं उनकी साइट सीन करवाएंगे। रास्ते में हमें आसपास के गांव के कुछ विलेजर्स दिखाई दिए जो यहाँ पर पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए दाना भी डाल रहे थे।
एक्चुअली ये लोग जंगल के अंदर बने टेम्पल को विजिट करने आते हैं और आसपास के गांव से जंगल के रास्ते होते हुए यहां तक आते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं इसलिए शायद एनिमल अटैक का ज्यादा डर इनको रहता नहीं है। रास्ते में आने वाली ये झील बहुत ही प्यारी है। आप इसके अंदर ध्यान से देखिए, जो इसकी रिफ्लेक्शन है माउंटेन्स की और क्लाउड्स की, बहुत ही प्यारी लग रही है। और जो सुबह का ये मौसम था, हल्की हल्की जो लालिमा थी क्योंकि सनराइज़ प्रॉपरली हुआ नहीं था, वो इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो सनराइज़ होने वाला है और हम बिल्कुल जंगल के बीच में पहुँच गए। सड़कें ऊपर नीचे हैं, अभी डाउन जा रही है, कभी अप आती है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि टाइगर दिख जाए। अभी कॉल सुनाई दे रही है, अलार्म कॉल जो होती है टाइगर की, एक वो सांबर होता है ना, वो आवाज़ करता है, वो आ रही है और थोड़े लंगूर भी बोल रहे हैं। तो उम्मीद है कि अभी हमें टाइगर की साइट सीइंग हो गई। फाइनली टाइगर दिख गया, एक मेल टाइगर है। थोड़ा पीछे लेंगे, ले लो शाम को पीछे ले लो, साइड साइड दे लो, साइड दे लो, चलो चलो चलो। वाओ, चला आ रहे हो क्या? देखो हियर इट इज, एक बार ध्यान से देखिए हाउ टाइगर इज लुकिंग टावर टेविश, किलर लुक्स है ना। कहानी अभी बाकी है फ्रेंड्स, अभी आप सुनेंगे इस टाइगर के बारे में और अगले व्लॉग में आप देखेंगे एक और टाइगर को जिसका नाम था गणेश, और जंगल में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड एनिमल्स को। तो जो पूरा जंगल है ना उसमें 80 टाइगर्स थे लास्ट सेंसस में, 80 बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी लगभग 70 होंगे क्योंकि उनमें से कुछ को हमने रिलोकेट कर दिया, यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया, कुछ बूढ़े टाइगर मर गए सेंसस के बाद। तो 70 के आसपास टाइगर हैं और अभी पूरे 1700 स्क्वायर किलोमीटर्स में उसका 80% बंद है। तो एवरेज एक जोन में 2 या 3 ही टाइगर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला गेट के पास रिद्धि और गणेश रहते हैं, तो वो जोन 3 पे भी जा सकते हैं। उनकी टेरिटरी का शेप एंड साइज उनके हिसाब से होता है, जोन बनाए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ताकि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, ठीक है। तो टाइगर की टेरिटरी इस तरह से है कि वो एक जोन से दूसरे जोन पर जा सकते हैं। तो इस एरिया में यहाँ 2 टाइगर हैं, जैसे गेट के पास रिद्धि और गणेश है, यहाँ पे 2 टाइगर हैं। एक टाइगर से हम बोलते हैं सिद्धि, और एक इसका 121 नंबर है, इसको कोई नाम नहीं दिया है, मतलब डिपार्टमेंट इनको नंबर देता है, जैसे T1, T2, T3 नाम तो हम लोग दे देते हैं जो टाइगर हम अक्सर देखते हैं उसको, इसको भी किसी ने नाम नहीं दिया। बहुत से टाइगर ऐसे होते हैं जिनके पास टेरिटरी नहीं होती, जो जवान हुए होते हैं तो वो मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं, एक परमानेंट जगह पे रुकते नहीं है, और वो जो डोमिनेंट टाइगर है उस एरिया का
से थोड़ा बचकर रहते हैं, उससे दूर दूर रहते हैं। टाइगर की नॉर्मल एज क्या होती है? इनका वाइल्ड में लाइफ स्पैन होता है 12 to 16, 12 to 16 साल। 80% टाइगर 14 साल की उम्र तक ही रह पाते हैं वाइल्ड में। किसी टाइगर होते हैं जो 15-16 की उम्र तक पहुँचते हैं, और कैप्टिविटी में रहते हैं 25 साल तक, लगभग 24-25 साल।